हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। चलिए आज की रेसिपी देखते हैं। तेल गरम होने के बाद मैंने उसमें ऐड किया है राई आधा चम्मच, आधा चम्मच जीरा। जीरा राई अच्छे से फूलने के बाद हम डालेंगे उसमें लहसुन, थोड़ा सा लिया है मैंने कट करके। उसके बाद हमें एक प्याज को डालना है और उसे भी 2 मिनट के लिए सॉफ्ट होने तक पकाना है प्याज को। अब प्याज को पकाने के बाद एक आलू उसमें डालेंगे, आलू को भी फ्राई करना है थोड़ी देर। उसके बाद टोमेटो ऐड करेंगे, उसको भी 1 मिनट के लिए पकाना है। अब हम डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और मिक्स करना है। अब हमें डालनी है भिंडी। मैंने भिंडी को थोड़ा सा फ्राई करके लिया है तेल में ताकि जल्दी से पक जाए। और अच्छे से मिक्स करना है आलू प्याज के साथ। अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डालना है। अब ये भी मसालों को अच्छे से मिक्स करके लेना है भिंडी के साथ। ये बहुत टेस्टी लगती है फ्रेंड्स ये रेसिपी। अभी ढक्कन रख के हमें 2-3 मिनट के लिए भिंडी को पकाना है। आलू भिंडी फ्राई बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। आप बच्चों के टिफिन बॉक्स के लिए, लंच बॉक्स के लिए इसे बना सकते हैं। बहुत ही जल्दी बनती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले